नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे माउथ ऑर्गन पे बजाना फिल्म सौतन का एक गीत, एक चुलबुला सा गीत, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ऐसा ही नोक झोंक वाला एक गीत है और माउथ ऑर्गन पे आसानी से बजा सकते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो सी की के हारमोनिका के हिसाब से मैं नोटेशंस दे रहा हूँ आपको, आप बजा कर देखिए। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने के लिए आपको इसका मुखड़ा एक बार बजा कर दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का गीत है, आप इसको सुन लीजिएगा एक बार, और मैं इसको सिर्फ आपको मुखड़ा और अंतरा दे रहा हूँ, इसका म्यूजिक मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। आप इसको इतना ही बजा कर देखिए, और जो लोग बिगिनर्स हैं बिल्कुल, उनके मन में इच्छा तो होती है मैं पूरा का पूरा गीत बजाऊं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप थोड़ा स्लो चाहिए, और पहले आप सिर्फ स्थाई को ही, गाने जो भी होते हैं उनके स्थाई को पहले ट्राई कीजिए। स्थाई जब अच्छे से बजने लगे तो मुखड़ा ट्राई कीजिए। म्यूजिक पार्ट आप शुरू में बजाने की कोशिश ज़्यादा ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि म्यूजिक का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता और वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको, उसके नोटेशंस को देख कर बजाना, अनलेस कि आपका बहुत ही म्यूजिकल ईयर डेवलप है। तो चलिए इसकी मुखड़े की पहली लाइन शुरू करते हैं हम लोग। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल। ग नोट जो है इंग्लिश के हिसाब से ई का जो नोट है, सी डी ई, वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं मिडल ऑक्टेव के। ध ध सा ध गध सानी ध गध ध सा ध गध सानी ध। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। सानी ध धनी सानी ध धनी, इसीलिए मम्मी ने मेरी, इसीलिए मम्मी ने मेरी सानी ध ध नी ध पा 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 सा नी ध ध नी ध पा 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 पा। तुम्हें चाय पे बुलाया है, तुम्हें चाय पे बुलाया है। पमा पा ध पमा गमा नी ध ध गमनी ध ध ना ना ना। पंछी अकेला देख मुझे ये ना 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 ये ध ध ध ग ध ध सा ध गध सा नी ध ध।
गधा सानी धा धा। गधा सानी धा धा जाल बिछाया है, सानी धा धनी सानी धा धनी, इसीलिए मम्मी ने तेरी, इसीलिए मम्मी ने तेरी सानी धा धा निधा पा 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 पा, सानी धा धा निधा पा 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 पा। मुझे चाय पे बुलाया है, पमा पध पमा गमा निधा धा पध पमा गध गमा निधा धा नी नी धा धा गमा नी नी धा धा पमा पध पमा गमा नी धा धा। तो इस तरह से इसका स्थाई कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एक अंतरा हम लोग देखते हैं। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, गानी धा गानी धा घर चले आना, सानी धा धानी गानी धा गानी धा सानी धा धानी, मेरा हाथ मांग लेना थोड़ा शर्माना, मेरा हाथ मांग लेना थोड़ा शर्माना। रे धप रे धप प थोड़ा शर्माना, रे सानी निसा ध 7 फेरे मेरे संग, गानी धा धा गानी धा गानी धा धा गानी धा, सपने देख रही हो सानी धा धा धनी नी, गानी धा धा गानी धा सानी धा धा धनी नी, खिली हुई धूप में रे रे धप रे धप रे सनी निसा ध ध तारे देख रही हो, निसानी ध ध। अरे नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, अरे नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, पापा पधा सानी धा धनी पापा पधा सानी धा धनी, चाय नहीं पीना
सनी धा प प प ध सनी ध धनी प सनी ध ध तौबा मेरी तौबा माफ कर देना। प ध सनी ध धनी प सनी ध ध इन्हीं अदाओं पर तो हाय गध ध सा ध गध सानी ध ध गध ध सा ध गध सानी ध ध अपना दिल आया है सानी ध ध नी नी इसीलिए मम्मी ने मेरी तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। फिर ये उसी तरह से स्थाई पे आके मिल जाएगा। तो इस तरह का गीत है। एक बार मैं आपको इसका अंतरा भी बजाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से गीत कंप्लीट हो जाएगा। इसका मुखड़ा और अंतरा मैं दे रहा हूँ आपको नोटेशंस, आप बजाकर देखिए। बहुत ही सिंपल नोटेशंस है और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसको और अच्छा भी लगेगा सुनने में ये सी की के हारमोनिका के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगर आपको हिंदी सिनेमा के पुराने गीतों में खासकर इंटरेस्ट है और आप बजाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आपको थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।